इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग फोकसिंग ऑन तो है सो वी वर डिस्कसिंग टू कंपीट मोर इफेक्टिवली मेनी कंपनीज आर नाउ एम्बेसिंग टारगेट मार्केटिंग सो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज uh, अभी टारगेट मार्केटिंग uh, यूज कर रहे हैं लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बोला की सपोज हीरो स्पलेंडर है तो सभी कस्टमर को सभी वन फोर्टी करोड़ पॉपुलेशन इंडियंस को टारगेट करने की जगह वो स्पेसिफिक इनकम ग्रुप को टारगेट करेंगे या स्पेसिफिक सिटीज में टायर वन टायर टू सिटीज में वो फोकस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट सेल हो सके या या फिर ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट कस्टमर तक पहुंच सके इफ जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसका एक टारगेट ग्रुप होता है और वो जो ग्रुप होता है वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनीज़ को इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग रिक्वायर्स दैट मार्केटर्स दैट इज तो यहां पे रिक्वायरमेंट दिया है कि इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स मार्केट सेगमेंटेशन तो आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंग ग्रुप ऑफ बायर्स तो हमें ऐसे बायर्स ढूंढने हैं जिनके प्रोफाइल हमें पता हो कि ये हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट परचेस करने वाले कस्टमर्स के प्रोफाइल हमको पता होता है वो जो बायर्स है वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और डिस्टिंगविश करना पड़ता है और वो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो लेक्ट वन और मोर मार्केट सेगमेंट्स टू एंटर दैट इज मार्केट टारगेटिंग तो पहला मार्केट सेगमेंटेशन हुआ कि हमने बहुत सारे ग्रुप्स प्रिपेयर कर लिए जो कि हमारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं उसमें से एक या दो प्रोडक्ट या ज्यादा प्रोडक्ट दो तीन ग्रुप हम या सेगमेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे या जिसको हम फोकस करेंगे जिसको टारगेट करेंगे कि जो वो उनको अगर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए तो हमारे वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे फॉर ईच टारगेट सेगमेंट एस्टेब्लिश कम्युनिकेट एंड डिलीवर द राइट बेनिफिट फॉर द कंपनीज मार्केट ऑफरिंग मार्केट पोजिशनिंग फॉर ईस्टे टारगेट सेगमेंट एस्टेब्लिश कम्युनिकेट एंड डिलीवर द राइट बेनिफिट तो हमें जो कस्टमर को रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर की जो नीड है instead of scattering their marketing efforts, they are focusing on those consumers they have the greatest chance of satisfying. so यहाँ पे क्या करते हैं कि uh, suppose splendor hai to तो हर customer को जाके uh, हर Indian citizen को जाके वो uh, product बेचने से अच्छा है कि हम identify कर लें कि इसका target group कौन सा है, कौन से customer जो है ये product purchase कर सकेंगे और उसको ही हम target करेंगे सो इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग रिक्वाइर्स डैट मार्केटर आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंक ग्रुप ऑफ बायर्स हु डिफर इन देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स मार्केट सेगमेंटेशन सो इसमें सेगमेंटेशन में तीन टास्क uh, uh, रहते हैं पहले तो मार्केट सेगमेंटेशन देन टारगेटिंग एंड देन पोजिशनिंग तो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर परचेस करेंगे सपोज यही ग्रेजुएट पीपल सपोज हमारे पास है स्पलेंडर तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रेजुएट पीपल हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे मिडिल इनकम ग्रुप हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे टायर वन जो एक ग्रुप है टायर वन सिटीज़ का जो ग्रुप है वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ये हो गया सेगमेंटेशन तो उसके बाद टारगेटिंग आता है कि जिस इस इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो ग्रुप्स आपको लगते हैं कि जो परचेस करेंगे प्रोडक्ट्स उसको हम टारगेट करते हैं और उनको बेचने का कोशिश करते हैं देन आता है पोजिशनिंग पोजिशनिंग मतलब एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट राइट काइंड ऑफ बेनिफिट टू द कस्टमर तो पोजिशनिंग में हम कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं हैं एडवर्टाइज करते उनके माइंड में बिठाते हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें और फिर कस्टमर uh, वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मोटिवेट होता है मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग आर नोन एज एस टीपी ऑफ द मार्केटिंग तो एस टी पी मतलब सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिटिंग एंड ये जो टर्म है ये जो कंसेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग का दिस चैप्टर विल फोकस ऑन द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ चैप्टर डिस्कस द चैप्टर टेन डिस्कस द थर्ड स्टेप चैप्टर इलेवन डिस्क्राइब हाउ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग कैन बिल्ड स्ट्रांग दैट ग्रो ओवर टाइम एंड विच टैंड कॉम्पिटिटिव अटैक्स सो नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के बारे में बो, बोला गया है बट uh, ये चैप्टर में हम सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स अ मार्केट इन टू वेल डिफाइंड स्लाइसेस तो uh, जो मार्केट सेगमेंटेशन क्या करता है कि मार्केट को छोटे-छोटे ग्रुप में डिवाइड करता है छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड करता है मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स शेयर सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वॉन्ट्स तो मार्केट सेगमेंट में जो हम ग्रुप करते हैं छोटे छोटे उनके नीड्स एंड वॉन्ट्स सिमिलर होते हैं द मार्केटर्स टास्क इज टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट नंबर एंड नेचर ऑफ द मार्केट सेगमेंट्स एंड डिसाइड विच वन टू टारगेट तो मार्केटर का टास्क ये होता है कि ग्रुप आइडेंटिफाई करें जो कि हमारे लिए सुटेबल है अपना प्रोडक्ट सेल uh, करने के लिए और उनका प्रोफाइल भी अच्छी तरीके से जाने कस्टमर का नेचर कस्टमर का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स है uh, ये सब चीज़ें बिहेवियर साइकोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है वो वी यूज टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स टू सेगमेंट कंज्यूमर मार्केट्स सम रिसर्चर डिफाइन सेगमेंट्स बाय लुकिंग एट द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जियोग्राफिक डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक एंड आस्किंग वेदर दीज सेगमेंट्स एग्जिबिट डिफरेंट नीड्स और प्रोडक्ट रिस्पॉन्सेस तो बहुत सारे जो मार्केटर्स uh, uh, रहते हैं वो डिवाइड करते हैं ग्रुप्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिक कैरेक्टर्स डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टर्स सो ये जो एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरियाज है जियोग्राफी डेमोग्राफी एंड साइकोग्राफी उसके बेसिस को उसके बेसिस पे वो ग्रुप्स बनाते हैं या कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे माइट एग्जामाइन द डिफरिंग एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेशनल्स ब्लू कॉलर्स एंड अदर ग्रुप्स टूवर्ड्स से सेफ्टी एज अ प्रोडक्ट बेनिफिट तो यहाँ पे वो आ, ऐसे आ, अगर सेफ्टी बेनिफिट के लिए सपोज़ कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें सेफ सेफ कार सेफ्टी आ, अगर किसी कस्टमर्स को इम्पोर्टेंट है तो वो आ, ऐसे कौन से कस्टमर्स है ऐसे कौन से ग्रुप्स से जिनको सेफ्टी कार, आ, कार में सेफ़्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसे हो सकते कि प्रोफेशनल हो सकते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए इंजीनियर्स हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए तो ऐसे प्रोफेशनल हो सकते हैं जिनको सेफ़्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ब्लू कॉलर वर्कर हो सकते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर वगैरह है उनके लिए भी सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो ये ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं अदर रिसर्चर्स डिफाइन सेगमेंट्स बाय लुकिंग एट बिहेवियरल कंसि तो एक जो है पहले हम एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल Blue colors and other group के देखते पहले एटीट्यूड देख के ग्रुप डिवाइड करते हैं दूसरा क्या है कैसे रिस्पॉन्स होगा यूसेस ओकेजन क्या होगा uh, हो सकते हैं ब्रांड्स uh, के ब्रांड्स uh, का कितना इंपॉर्टेंस है देन सीइंग वेदर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद ईच कंज्यूमर रिस्पॉन्स सेगमेंट तो ये जो सब बेसिकली हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दी ऑफरिंग्स लाइक बेनिफिट को कैसे रिस्पोंड करेंगे यूसेज ओकेजन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ब्रांड इमेज को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सिर्फ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स uh, uh, जो उनके उनके है उनको उनको चेक करके उनके बिहेवियरल कंसिडरेशन चेक करके वो ग्रुप्स करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डू पीपल फॉर एग्जाम्पल डू पीपल हु वॉन्ट क्वालिटी रैदर देन लो प्राइस इन द आटोमोबाइल डिफर इन देयर जियोग्राफिक डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक मेकअप सो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी क्वालिटी ओवर प्राइस ठीक है तो जो लोग क्वालिटी प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी क्वालिटी ऑटोमोबाइल परचेस किए हैं उनका डेमोग्राफिक जियोग्राफिक और साइकोग्राफिक प्रोफाइल स्टडी करते हैं या फिर जो लोग इंटरेस्टेड है और कैन दे फाइंड आउट सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग देम तो ऐसे जो 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 कस्टमर का सिमिलर नीड है सिमिलर चॉइसेस है उनका डेमोग्राफिक जियोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक प्रोफाइल सेम है क्या वो चेक करते अगर सेम है तो वो उनको एक अलग सेगमेंट बोल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन स्कीम्स वी यूज द की इज एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम टू रिकोगनाइज कस्टमर डिफरेंसेस तो कौन सा भी सेगमेंटेशन स्कीम आप यूज करो कौन सा भी सेगमेंटेशन क्राइटेरिया आप यूज करो द बेसिक uh, uh, जो आपका टास्क होगा कि बिटवीन टू कस्टमर्स डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना कस्टमर कस्टमर के बीच में डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करना ये सेगमेंटेशन का मेन टास्क है मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल जियोग्राफिक डेमोग्राफी साइकोग्राफीज एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन आर समराइज सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू सो मच